हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। नेटफ्लिक्स बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज निकालता रहता है, और वन ऑफ द गुड शोज दैट आई हैव सीन टुडे द लॉ अकॉर्डिंग टू लिडिया पोएट। और थोड़ा सा और रिसर्च करी तो पता चला कि जी लिडिया की एक्चुअली में एक लेडी एग्जिस्ट करती थी 18th सेंचुरी में, और उसका जो राइज दिखाया गया एंड द लव फॉर हर प्रोफेशन, क्योंकि वो एक लॉयर बनना चाहती थी, प्रैक्टिस करना चाहती थी, और क्या क्या मुश्किल का सामना आता है, ये सब दिखाते हैं। अब ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि ये स्पिरिट ड्रामा के अंदर आपको बहुत अच्छे समय के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, जो एक एक फ्रेम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। और जिनको भी पीरियड ड्रामा पसंद आते हैं, उसके ऊपर चेरी ऑन द केक होने वाला है। थोड़ा सा सस्पेंस, कुछ इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर्स, फेमिनिज्म भर भर के होगा, एक लेडी के बारे में है, और थोड़ा पेसिमिस्टिक भी होगा। ये उस समय की बात है 19th सेंचुरी में, जब इवन पेरिस के अंदर भी आप बोलोगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड है, तो वुमेन वहाँ पर एक अलग से तरीके का वो रखती होगी, स्टेटस रखती होगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी एक लड़की लिंडा नाम की होती है, जिसको अपना करियर बनाना है, और मेन के बीच में उसको प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता है, और अनएबल टू प्रैक्टिस। अब कैसे सोसाइटी की जो ग्रेडिंग है यहाँ पर दिखाई जाती है, कि कौन कितना अमीर है तो उसका स्टेटस क्या होगा, जो मिडिल क्लास है उसका स्टेटस क्या होगा, आपको कैसे प्रॉपर बन के रहना है, क्या पहनना है, कैसे बोलना है, और वुमेन उस टाइम के अंदर कैसे अपना एक मुकाम बनाएगी, उसकी डायनामिक्स विद फैमिली, डायनामिक्स इन हर ओन लव स्टोरी, और कुछ केसेस जो उसको सॉल्व करने ही करने, ताकि वो अपनी वर्थ जो है वो प्रूव कर पाए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, सेटअप बहुत अच्छा है। उसकी हाईलाइट एक्चुअली में ये है, जिस तरीके के समय के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और लिंडा का जो कैरेक्टर जिस लेडी ने प्ले किया, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, सेल्फ मोटिवेटेड है, क्योंकि अनश्योर हो जाती है बहुत सारी चीज़ों को लेके, जब दुनिया बोलते हैं कि तुम्हारे बस का नहीं है, और बींग अ गर्ल यू आर नॉट वर्थ इट टाइप्स वैसे, और थोड़ा अनश्योरिटी होती है, तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना होता है, तो वो रहता है। शी सीक्स लव, बट एट द सेम टाइम शी वॉन्ट्स हर फोकस टू बी ऑन द प्रोफेशन। तो जो बैलेंस है ये सीरीज के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से चलता रहता है, जिसकी वजह से आपको लगता है यार ये सीरीज को एक मौका तो देना चाहिए। बाकी जो बैकग्राउंड स्कोर है वो थोड़ा सा मिक्स है, एक कुछ कुछ पीरियड ड्रामा के हिसाब से म्यूजिक चलता है, कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा मॉडर्न म्यूजिक भी डाला गया है, वो ठीक है, वो थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी टाइप्स ही ली गई है, लेकिन सेटअप का तो मैं बिल्कुल फैन हो गया, राइट फ्रॉम कॉस्ट्यूम्स, डिटेलिंग लाइक जो कैबिनेट्स होते हैं लकड़ी के, उसकी कार्विंग्स, और जो गोल्डन मोटिव्स यूज करके इन्होंने बनाए हैं, सुपर है, एकदम मजा आ गया देख के, क्योंकि जिस तरीके की डिटेलिंग यहाँ पर दिखाई गई है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन से उम्मीद मत रखना, क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यूड नहीं है, तो एक इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी, उसके अंदर कुछ ये सीखेगी, फिर सेकेंड जो आएगा उसके अंदर कुछ आएगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ सर्टेन एपिसोड आपको लगेगा इसके स्किल्स जो हैं वो और ज़्यादा एनहांस होते चले जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि इसका सीजन टू भी आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की सीरीज की जो कंटिन्यूटी होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, या कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, और इन पैरेलल आप देखते हो कि कैरेक्टर की ग्रोथ होती चली जा रही है, जिससे आप कंप्लीटली इंडल्ज हो जाते हो। अगर आपको याद होगा तो ऐसे ही कुछ था फॉर्मूला जो लूसिफर के अंदर भी था, केसेस सॉल्व हो रहे थे और पैरेलली लूसिफर का जो आगमन था धरती पे आने का, वो क्या करता रहता है, वो सब था। मेरा मूवी शो स्कोर रहेगा करीबन, इट्स अ गुड सीरीज, आई रियली लव्ड इट, सो 9 out of 10, इट्स वन ऑफ द मस्ट वॉच काइंड्स। आप देखोगे, आप आई एम श्योर यू विल एंजॉय, बहुत लाइट हार्टेड सी है, कोई ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देती दिमाग के ऊपर। बाय बाय।